नमस्कार साथियों, आज मैं आपको लिए चलता हूँ झालावाड़ जिले में काली सिंध नदी पर बने हुए काली सिंध डैम पर। वो क्या बातें हैं जो इस डैम को सभी डैमों से अलग बनाती है, राजस्थान में जितने भी डैम हैं उन सबसे अलग करती है, वो सब बातें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जो अभी तक किसी यूट्यूब वीडियो में आपको नहीं देखने को मिलेंगी। साथ ही इस वीडियो में आपको फ्लड से पहले, फ्लड का मतलब जब नदी में बहुत मात्रा में पानी आया उससे पहले और जब पानी आता है उसके बाद, ये दोनों नज़ारे भी आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहली बात जो इस डैम से खास है वो यह है कि इस डैम को सबसे कम टाइम में बनाया गया, मात्र 4 साल में इसे बनाकर तैयार कर दिया गया था जल संसाधन विभाग राजस्थान द्वारा। 2010 से इसका काम स्टार्ट हुआ था जिसे 2014 में कंप्लीट कर लिया गया था। तो हम कह सकते हैं कि काली सिंध बांध नवनिर्मित बांधों में सबसे कम टाइम में बना हुआ बांध है। चलो साथियों, बात करते हैं एक अलग विशेषता की, अलग खूबी की। जो स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है इसे फिश लैडर कहते हैं और यह अभी ऑपरेशन में नहीं है। अभी थोड़ी देर बाद आप देखोगे जब इसमें पानी छोड़ा जाता है तो किस तरह का नजारा दिखता है। तो जो फिश लैडर है संभवतः राजस्थान का यह पहला बांध है जिस पर फिश लैडर बनाया गया है। यह एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से मछलियां डैम के इस पार से उस पार आ जा सकती हैं, क्योंकि बीच में डैम की जो दीवार होती है, जो गेट्स होते हैं, वो आ जाते हैं, इस वजह से वो आवागमन नहीं कर पाती। तो इस फिश लैडर के माध्यम से वो अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम, मतलब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की साइड आ जा सकती हैं। तो यह एक और विशेषता है जो इस डैम को बाकी डैम से अलग बनाती है। साथ ही हम बात करें काली सिंध डैम के गेटों की, तो यह राजस्थान में सबसे ज़्यादा गेटों वाला डैम है। इस बांध में कुल 33 गेट हैं। यदि डैम की लंबाई की बात करें तो 955 मीटर लंबा है जिसमें 15 मीटर लंबे और 10 मीटर ऊंचे 33 गेट लगे हुए हैं। इन सभी 33 गेटों को ऑपरेट करने के लिए वॉच टावर बना हुआ है जिसमें कंट्रोल रूम स्थापित है। वहां से बटन दबाते ही कोई भी गेट खोला जा सकता है, बंद किया जा सकता है। अब मैं आपको बता दूं, इन जो गेट हैं इनको ऑपरेट करने के लिए हाइड्रोलिक जैक या हाइड्रोलिक पंप, जिसे हम हाइड्रोलिक होइस्ट भी यहाँ पर कहते हैं, उनका इस्तेमाल किया गया जो आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे होंगे। ये जर्मनी से इम्पोर्ट किए हुए हैं, जर्मनी से आयात किए हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि काली सिंध बांध पर जर्मन तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। अब बात करते हैं हम एक और विशेषता की, तो वो ये है कि ये राज्य का पहला कमर्शियल डैम है, वाणिज्यिक डैम है। इसके निर्माण के लिए जो पैसा था वो बिजली विभाग के द्वारा दिया गया था और यहाँ से जो आपको ये सामने इंटेक वेल दिख रहा है, यहाँ से पानी भेजा जाता है काली सिंध थर्मल पावर प्लांट को। तो काली सिंध थर्मल पावर प्लांट को पानी पहुंचाने के लिए प्राथमिक दृष्टि से इस बांध का निर्माण किया गया था। अभी तक इस बांध से सिंचाई या पीने का पानी उपलब्ध नहीं करवाया जाता है। तो यह राजस्थान का पहला कमर्शियल डैम है। आने वाला जो फेज है, इसका जो दूसरा फेज होगा, उसमें इस डैम की हाइट बढ़ाने का प्रस्ताव है। जो आपको गेट यहाँ पर कटे हुए बीच में से दिख रहे हैं, इनको वेल्ड करके इसकी हाइट और बढ़ाई जाएगी और उसके बाद यहाँ पर नहरों का निर्माण किया जाएगा जिससे लोगों को सिंचाई का पानी और पीने का पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। साथियों, इस जगह की भौगोलिक परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि इस बांध को ज़्यादा ऊंचा नहीं बनाया जा सकता था। इसी वजह से यदि इस डैम के डीपेस्ट फाउंडेशन से हम टॉप लेवल की बात करें तो वो ऊंचाई 30.5 मीटर है और यदि हम रिवर बेड से इस डैम की हाइट की बात करें तो वो मात्र 24 मीटर है। 457 करोड़ रुपए में बने इस डैम से राजस्थान सरकार को प्रत्येक वर्ष वर्तमान में 4 करोड़ रुपए से अधिक आय प्राप्त हो रही है। यदि इस डैम के कैचमेंट एरिया की बात करें तो वो अधिकांश क्षेत्र मध्य प्रदेश में है और मात्र लगभग 20% हिस्सा इसके कैचमेंट का राजस्थान राज्य में आता है। अन्य मेजर डैम्स की तरह इस डैम के अंदर भी, इस डैम में जो आपको गेट दिख रहे हैं इनके नीचे एक गैलरी बनी हुई है, एक खोखली सुरंग बनी हुई है लगभग 850 मीटर लंबी। इसी सुरंग में इस डैम की स्टेबिलिटी का बिहेवियर पता करने के लिए तरह तरह के उपकरण लगे होते हैं तथा जो पानी उसमें रिसाव होकर आता है उसको पंप के जरिए बाहर निकाला जाता है। तो उन उपकरणों की मदद से पता लगाया जा सकता है कि डैम का बिहेवियर कैसा है, स्टेबिलिटी इसकी कैसी है। तो दोस्तों, पसंद यदि वीडियो आया हो तो जरूर लाइक करना। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।